हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राकेश मिश्रा. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर क्लास 11th. इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू NCERT एग्जाम्पलर एज वेल एज द MCQ टाइप एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू NCERT. एंड ऑल्सो आई विल कवर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम नीट दैट बिलोंग टू चैप्टर 7. So, without delay timing, let I back to the important exercise question and revise the chapter 7. Here, the exercise answer in one word of the, in one word, listen, answer in one word or one line. Actually, the question that you can see is not related to the syllabus, that is actually 2020 and 21, because these are belong to the animals morphology and anatomy, which is not from the syllabus 2020-21. So there is no need to explain the topic and there is no need to explain the question that you can see. Now back to the next type question. The next question is, answer the following. What is the function of nephridia? How many types of nephridia? All these questions are also actually related to the animal's morphology, and from session 2020-21 it will not effective. So let I remove the topic, let I remove the question. Now question number 3, draw a well level diagram of reproductive organs of earthworm. Ye bhi ab nahi raha syllabus mein. 4, draw a level diagram of elementary canal of cockroach. Ye bhi syllabus mein nahi hai. तो ये सब जो सिलेबस में नहीं है इस साल उसको हम कवर नहीं करेंगे. आपसे उसी को कवर करेंगे जो इस साल सिलेबस में. डिस्टिंग्विशेस बिटवीन द फॉलोइंग, प्रोस्टोमियम एंड पेरिस्टोमियम. ये इंपॉर्टेंट पार्ट था अर्थवर्म का, ये सब सिलेबस में इस बार नहीं है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. एक्चुअली ये सिलेबस में है, ठीक है. आप ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़े होंगे और उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ में आप ब्लड के बारे में पढ़े होंगे. उसमें ब्लड के जो डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स थे वो क्या थे, WBC, RBC, ठीक है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स. तो ये RBC के तो कई सारे टाइप नहीं थे, लेकिन WBC के आप ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स लिख लीजिएगा और फिर उसका क्लासिफिकेशन कर लीजिएगा, ठीक है. RBC आल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट, WBC इज नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. आई होप आपको वीडियो लेक्चर इस वीडियो चैनल्स पे अवेलेबल है, जिसको आप एक एक करके देख करके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. इसके लिए अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो सिर्फ आप RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में, यानी शुरू से आपको नहीं जाना है प्लाज्मा, हिमाटोक्रिट्स, ये सब नहीं जाना, सिर्फ RBC, WBC और प्लेटलेट्स पे फोकस करना है. नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट आर द फॉलोइंग एंड वेयर डू यू फाइंड देम इन एनिमल बॉडी. कॉन्ड्रोसाइट्स, एक्सॉन, सिलिएटेड एपिथीलियम. लिसन, एक एक करके सबके बारे में बताएंगे. कॉन्ड्रोसाइट्स जो है ये कार्टिलेज का यूनिट है, ठीक है, कार्टिलेज का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट्स है, जिसके बारे में आपको बताया गया था. वीडियो लेक्चर इसका यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो आई थिंक इसके हेल्प से आप लिख लेंगे इसका आंसर. कॉन्ड्रोसाइट्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द कार्टिलेज, ठीक है. एक्सॉन ये न्यूरॉन का पार्ट है. न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ नर्वस सिस्टम दैट फॉर्म द नर्व्स टिश्यूज ऑफ आवर बॉडी. सिलिएटेड एपिथीलियल टिश्यूज, लिसन केयरफुली, इट इज़ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ एपिथीलियल टिश्यूज दैट प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव और एलिमेंट्री कैनाल और मे बी द फेलोपियन ट्यूब और नेफ्रॉन, ठीक है. ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एब्जॉर्प्शन के काम आएगा या फिर बॉडी में जो इंपॉर्टेंट सबस्टेंस है उसको मूव करके कैरी ऑन करने के काम आएगा, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर ले जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं. तीनों के बारे में एक बार रिकैप कर दे रहे हैं. कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज में, एक्सॉन ये न्यूरॉन का पार्ट है, और सिलिएटेड एपिथीलियम ये फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जो हमारा इंटेस्टाइन वगैरह उसमें, और प्लस ये नेफ्रॉन में अंदर पाया जाता है, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट. डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ एपिथीलियल टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, ठीक है. अब वेरियस टाइप ऑफ एपिथीलियल टिश्यूज के बारे में आपको बताया गया था और इसमें आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है. एपिथीलियल टिश्यूज बेसिकली दो टाइप के बताए गए थे, एक सिंपल एपिथीलियल टिश्यूज, एक कंपाउंड एपिथीलियल टिश्यूज. एक स्पेशल भी होता है जिसको आप अलग से भी लिख सकते हैं. सिंपल एपिथीलियल टिश्यूज में कॉलमनर, क्यूबॉइडल और स्क्वामोस, ये तीन था. इसके अलावा इसमें कोई टाइप नहीं था.
कॉम्पाउंड एपिथेलियल टिश्यूज में कोई टाइप नहीं था, ये सब सिंगल लेयर थे, सबके बारे में बताया गया था। अगर वो ऐसे सीधी सीधे हैं तो कॉलमनर है, ऐसे क्यूब टाइप है तो क्यूबाइडल है, और इररेगुलर अगर है तो वो क्या है, स्क्वामोस एपिथेलियल टिश्यूज है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट द डिस्टिंग्यूज बिटवीन, लिसन, डिस्टिंग्यूज बिटवीन सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। लिसन, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो सिंगल लाइंड होते हैं, बताया गया था आपको, इट इज़ सिंगल लाइंड। एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज आर हैविंग मल्टी लाइंड, आर हैविंग द मल्टी लाइंड। तो ये बेसिक डिफरेंट है, ये ढेर सारे लाइंड में बने होते हैं। नेक्स्ट द कार्डियक मस्कुलर एंड स्ट्रियाटेड मसल्स। देखो कार्डियक जो होता है वो वॉलेंट्री होता है, वो इनवॉलेंट्री होता है और वो हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, हार्ट के जितने भी मसल फाइबर्स हैं उसको बोलते हैं कार्डियक मसल फाइबर्स। उसको रेगुलेशन कौन करता है, हार्ट करता है, क्योंकि हमारा हार्ट जो है वो मायोजेनिक टाइप है। आवर हार्ट इज मायोजेनिक टाइप ऑफ हार्ट। देखो सम ऑफ द एनिमल्स कंसिस्ट द न्यूरोजेनिक हार्ट, जिसको ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, और ये कार्डियक मसल फाइबर की वजह से ही उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन होता है। ठीक है, ये तो आप जान गए। कम अब आते हैं स्ट्रियाटेड, जिसको स्ट्रिप्ड भी बोलते हैं, और ये वॉलेंट्री होता है। ये क्या होता है, वॉलेंट्री, और ये इसको स्केलेटल भी बोलते हैं, और ये वॉलेंट्री फंक्शन के लिए परफॉर्म करता है, यानी कि आप जो काम चाह रहे हैं, जो चीज़ें चाह रहे हैं उसको ये परफॉर्म करता है, आपके अंडर कॉन्शियस कंट्रोल पे काम करता है। ठीक है, तो कार्डियक जो है हमारे वॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म नहीं करता है और कॉन्शियस कंट्रोल में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट ये जो है स्ट्रियाटेड मसल फाइबर्स ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में काम करता है। डेंस रेगुलर एंड डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। देखो जो आपको बताया गया था, आप कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर में, ठीक है, दो तरह के कनेक्टिव टिश्यूज थे, एक थे लूज और एक था डेंस। डेंस में दो तरह का था, डेंस रेगुलर था और डेंस इररेगुलर था। तो डेंस रेगुलर में क्या होता, सेल्स जो होते थे उसके, भाई सेल्स टिश्यू बनाते, तो जो जितने भी टिश्यूज थे वो रेगुलर मैनर में, ऐसे रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट थे। और डेंस इररेगुलर में कोई किसी का फिक्स नहीं था, कोई किसी भी तरह से अरेंज हो सकता है। ठीक है, ये डेंस इररेगुलर था। फर्दर डेंस इररेगुलर में मैंने बताया था कि दो स्पेशल टाइप का था, एक लिगामेंट था, एक टेंडन था। लिगामेंट बोन टू बोन और टेंडन बोन टू मसल को लिंक करने का काम आता है। तो आई होप इसको आपको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, आई होप रिवाइज हो ही गया होगा, बस दोबारा से आपको रिवाइज करना है। ठीक है, नेक्स्ट एडिपोज एंड ब्लड टिश्यूज। लिसन, एडिपोज जो है, फिर से एक बार आ रहे हैं, आप जो है प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज में, लूज प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज में जाएंगे तो उसमें दो है, एक है एरियोलर और एक है एडिपोज। एरियोलर जो है वो बॉडी में मैक्रोफेज वगैरह कंसिस्ट करता है और इंटरनल सपोर्ट करता है, और एडिपोज जो क्या करता है वो लाइपेज, यानी लाइपेज मतलब लिपिड, यानी फैट को स्टोर करने का काम करता है एडिपोज, और ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी में, फिर भी वो फैट को स्टोर करता है। ठीक है, तो एडिपोज फैट स्टोर का काम करता है और वो क्या है, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है, और जो ब्लड टिश्यूज है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है। आप ध्यान दीजिएगा, जो एडिपोज है वो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है और ये ब्लड जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है। दैट इज द की डिफरेंट बिटवीन एडिपोज एंड ब्लड टिश्यूज। ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स आप जानते ही, इसको लिख लीजिएगा। अब आते हैं सिंपल ग्लैंड्स एंड कंपाउंड ग्लैंड। इसके बारे में मैंने बताया था, एक गोबलेट ग्लैंड का एग्जाम्पल दिया था, गोबलेट ग्लैंड का। ठीक है, गोबलेट ग्लैंड क्या होता है, सिंगल ग्लैंड जो थोड़ी थोड़ी दूर पे, उसका कोई आसपास जो है मल्टीपल ग्लैंड्स ना हो, सिंगल सिंगल ग्लैंड्स हो, उसको कहते हैं सिंपल ग्लैंड्स। देयर इज नो एनी कॉम्प्लेक्सिटी फाउंड इन देम एंड ऑल सेल्स आर बाइफर्केटेड फ्रॉम ईच अदर्स, ऑल सेल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स एंड दे फाउंड इन अलोन इन आवर बॉडी। या बॉडी में अकेले अकेले होते हैं और बॉडी में सिक्रीशन का काम दोनों करते हैं, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो। ठीक है, कंपाउंड क्या होता है, ग्रुप में होता है, जैसे आपका सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, इसके अलावा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की मैं बात कर दिया। तो ये है तुम्हारा पार्टिकुलर सिंपल ग्लैंड्स और कंपाउंड ग्लैंड्स, एग्जांपल और उसका स्ट्रक्चर। अब आते हैं मार्क, क्या दिया, मार्क ऑड वन इन ईच सीरीज। कह रहा है कि इसमें से आपको जो सबसे ऑड लग रहा हो उसको आप क्या करिए, मार्क कर दीजिए। देखो इसमें एरियलर टिश्यूज दिया है, ब्लड दिया है, न्यूरॉन्स दिया है, टेंडन दिया है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो न्यूरॉन है ये क्या है, नर्वस टिश्यूज का एग्जांपल है। बाकी न्यूरॉन को छोड़ दें तो टेंडन, एरियोलर और ब्लड ये सब क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है। ठीक है, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं
आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कार्टिलेज, चारों में से ऑड कौन दिख रहा है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है, और कार्टिलेज क्या है? ये स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज का पार्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, सेलाइवरी ग्लैंड, लिगामेंट, ये देखो ये सारे ग्लैंड हैं और लिगामेंट ग्लैंड नहीं है, तो ऐसे ही पता चल जा रहा है। अब आते हैं मैक्सिला, मैंडिबुल, लेबरम और एंटीना, ये तुमको सिलेबस में इस साल नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं बता दूं कि मैक्सिला, मैंडिबुल और लेबरम ये कॉकरोच के माउथ पार्ट है, ठीक है, लेकिन एंटीना जो है वो माउथ का पार्ट नहीं है, वो सेंसरी ऑर्गन है। अब आते हैं प्रोटोनीमा, मीजोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स, कॉक्सा। अब यहाँ पे देखो ये प्रोटोनीमा, मीजोथोरिक्स, मेटाथोरिक्स और कॉक्सा, तो ये सब जितने भी पार्ट है इसमें से जो तुम्हारा कॉक्सा वाला पार्ट है वो इसमें से ऑड है, ठीक, और बाकी सब जो है ये पार्ट है किसके? थोरेक्स के, थोरेकिक कैविटी के पार्ट है। ठीक है, आई होप ये इस साल सिलेबस में नहीं, इस पर डिस्कस नहीं करने। मैच द फॉलोइंग कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज, तो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज का जो हमारा पार्ट है उसमें से कौन है? इसमें से आप जाएंगे तो स्किन हो जाएगा। ठीक है, कंपाउंड आई किसका होता है? कंपाउंड आई होता है कॉकरोच का। ठीक है, सेप्टल नेफ्रिडिया, ये अर्थवर्म का है पार्ट। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किसका है? ये देखो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, अभी कॉकरोच में भी होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बट यहाँ पे हमने गलत मैच कर दिया। देखो यहाँ पे जो कंपाउंड आई है वो मोजैक विजन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर से एक बार कर दे रहे हैं, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज स्किन हो जाएगा, कंपाउंड आई मोजैक विजन, सेप्टल नेफ्रिडिया अर्थवर्म, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ये किस में हो जाएगा? ये कॉकरोच में हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो कंपाउंड आई भी कॉकरोच में होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो ये क्वेश्चन ही हमको रॉन्ग लग रहा है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। टिप्लोसोल, टिप्लोसोल आते हैं, ये टिप्लोसोल जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, ऑस्टियोसाइट्स ये बोन का पार्ट है, और जेनिटेलिया ये किसका पार्ट है? ये फिलोमियर्स का पार्ट है। आई होप सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलो आते हैं, मेंशन ब्रीफली अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवर्म नहीं पढ़ना है, नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये भी नहीं पढ़ना है, ये सब कोई नहीं पढ़ना है। ठीक है, आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हम एमसीक्यू पे आते हैं, एमसीक्यू में दो चार मैं सॉल्व करा दे रहा, बाकी आपका वर्क मैं दे दूंगा। चलो आते हैं, क्वेश्चन वन दिया है उसको मैं एक एक करके सारा सॉल्व करा दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल इज इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ द इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स? ठीक है, इनर वॉल ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स की मैं बात कर दूँ तो इसको हम उस एपिथेलियल टिश्यूज में, क्योंकि ब्लड वेसल्स और एल्वियोली यहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते रहते हैं, तो वही इसमें स्पेशल जो टिश्यूज हैं जो जिससे कोई चीज़ें एक्सचेंज हो सकती है, जो सिंगल सेल है, सिंगल लेयर्ड है और चीज़ों को एक्सचेंज करने में काम आता है, तो इसको हम उस एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में ये डिटेल मैं उस समय पढ़ा रहा था तब इसको क्लियर कर दिया था। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज एडिपोज टिश्यूज बिलोंग, इससे पहले ही बताया था मैंने कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यूज, तो यहाँ पे आपको बोन है, कार्टिलेज है, ब्लड है, मसल्स है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? मसल्स, मसल ये जो है ये कनेक्टिव टिश्यूज नहीं है। ठीक है, बाकी सब कनेक्टिव टिश्यूज है। अब आते हैं नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट वन, करेक्ट ऑप्शन। एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज क्या है भाई? एडिपोज टिश्यूज हमारा फैट स्टोरेज का काम करता है, यानी ये ऑप्शन नंबर फोर से मैच करेगा। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज, ये कौन सा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज हमारा? तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये हमारा जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज की मैं बात कर दूँ तो ये ऑप्शन से ही हम मैच कराएंगे, लेकिन अभी तुम फिलहाल अभी यही बता दे रहे हैं कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज जो हमारा स्किन का पार्ट होता है। ठीक है, ये स्किन का पार्ट होता है। अभी देखो ये फोर नंबर हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज ये थर्ड नंबर पार्ट हो जाएगा, हाइलिन कार्टेज ये नोज का पार्ट होता है यानी कि फर्स्ट नंबर हो जाएगा, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज ये ब्लड है यानी कि ये सेकंड नंबर हो जाएगा। तो अभी देखो ए का फोर से कौन मैच कर रहा है? ए का फोर से यही सीरीज मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी कहीं ए फोर नहीं है तो डायरेक्ट आप यही मार दीजिए, आराम से ये सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पे, गोबलेट सेल्स गिव आउट, गोबलेट सेल्स क्या सीक्रेट करता है? आई होप आपको पहले से पता होगा, ये मैंने बताया था म्यूसिन। ठीक है, अब आते हैं नेजल सिम्टम कंसिस्ट, अभी ऊपर बताया था हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज। अब आते हैं हिस्टामाइंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम, अभी बताया था मास सेल्स, ये तुम्हारा एरियोलर टिश्यूज के पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट एट में आ जा रहा हूँ,
स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल अकर्स, ये हायर लेवल है। देखो अभी ये DPMT में पूछा गया है, लेकिन इसको मैं बता दे रहा हूँ, ये होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये पार्ट होता है। चलो आते हैं। वॉकमैन्स कैनाल्स आर फाउंड इन, वॉकमैन्स कैनाल क्या होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा बोन का। बोन में देखोगे होल होता है, उसी को बोलते हैं वॉकमैन कैनाल, यानी बोन का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, इंटरवर्टिब्रल डिस्क आर मेड ऑफ, इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है वो किससे मिलके बना होता है, तो फाइब्रोकार्टिलेज का मिलके बना होता है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं 11 नंबर। मास्ट सेल सीक्रेट्स, भाई मास्ट सेल क्या सीक्रेट करता है, अभी ऊपर बताया था हिस्टामाइन। नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज ज्वाइन, भाई एरियोलर टिश्यूज क्या ज्वाइन करता है इसके बारे में बता दे रहे हैं। इंटेगुमेंट विथ मसल्स, नोट कर लीजिए कहीं पे भी, ये CBSE 2006 यानी एग्जामिनेशन नीट के थ्रू जो होता है उसमें ये पूछा गया था। नेक्स्ट में आते हैं, द टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल्स विच लाइन द इनर सरफेस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में, ब्रोंकियोल्स में, स्मॉल ब्रोंकी में, ठीक है। इसमें कौन सा होता है, सीलिएटेड होता है। मैंने बताया था सीलिएटेड क्या करता है, चीज़ों को या तो एब्जॉर्ब करता है या फिर कैरी आउट करके ले जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब से ये एग सेल्स जो है कैरी करके एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। डाइपेडिसिस, डाइपेडिसिस क्या होता है भाई, डाइपेडिसिस में सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये स्क्वीजिंग होता है, और उसमें क्या होता है लिम्फोसाइट्स में थोड़ा सा स्क्वीजिंग होने की वजह से क्रैम्प्स वगैरह की शिकायत आती है, और ज़्यादातर पेन होता है, ठीक है। स्क्वीजिंग यानी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विशेस अ नर्व सेल्स फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ सेल्स, कह रहा है कि इसमें से कौन नर्व सेल्स से डिफरेंट है। चलो आते हैं, नर्व सेल्स से डिफरेंट अभी फ्लैजिला, मेडुलरी शीथ्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरिकेरियन, डेंड्राइट्स, ओवैक्यूल्स एंड फाइबर्स, कह रहा है कि इसमें से कौन, इसमें से ऐसे हैं जो नर्व सेल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विशेस अ नर्व सेल्स फ्रॉम अदर, यानी कौन इसमें नर्व सेल्स के करेक्टरिस्टिक्स है। तो ये पेरिकेरियन और डेंड्रोसाइट्स, बाकी सब में कॉमन होता है, फ्लैजिला ये सब नर्व सेल्स के पार्ट नहीं है, ठीक है। ये सब यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 15 का, यानी यही नर्व सेल्स का करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट पे आते हैं, इन विच प्रिपरेशन विल यू फाइंड सेल जंक्शन मोस्ट फ्रिक्वेंटली, कह रहा है इसमें से कौन सा ऐसा है जो सेल जंक्शन मोस्ट फ्रिक्वेंटली होगा, उसी रिलेटेड एपिथेलियल टिश्यूज विदाउट एनी डाउट हाइलिन कार्टिलेज टेंडन और थ्रोम्बोसाइट्स, ये सब जो है आपके एपिथेलियल टिश्यूज के पार्ट नहीं, एपिथेलियम के ही पार्ट होता है सेल जंक्शन, ठीक है। जो सेल जंक्शन और करेक्टरिस्टिक्स इसका होता है एपिथेलियल टिश्यूज का, ये इंपॉर्टेंट होता है। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ, टेंडन्स और लिगामेंट्स क्या होता है, स्पेशल टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। आई होप आपका पहले से क्लियर होगा, हालांकि ये इंपॉर्टेंट है, देखिए दो दो बार पूछा है। नर्व सेल्स डू नॉट डिवाइडेड एज दे लैक, देखो नर्व सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, क्यों नहीं डिवाइड करते, क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है, इस वजह से डिवाइड नहीं करते। नोट कर लीजिए, नर्व सेल्स डू नॉट पॉजेस सेंट्रोसोम, ये BHU में बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशनल एपिथेलियल अकर्स, भाई ट्रांजिशनल एपिथेलियल आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो होता है ये ऑप्शन डी ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज के यूरिनरी ब्लेडर का पार्ट है। देखो यूरिनरी ब्लेडर बाकी में नहीं दिया था, ऑप्शन डी में दिया था, ठीक है। आते हैं 20 पे, 20 में आते हैं, द मोस्ट एक्टिव फैगोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स आर, देखो जब सबसे एक्टिव अगर फैगोसाइट्स की बात करें तो वो न्यूट्रोफाइल्स और मोनोसाइट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 12 में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। चलो आते हैं नेक्स्ट, सेल जंक्शंस कॉल्ड, 21, सेल जंक्शंस कॉल्ड टाइट अधेरिंग एंड गैप जंक्शन आर फाउंड इन, तो आपको पहले से बताया गया था एपिथेलियल टिश्यूज विदाउट एनी डाउट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज माइलिन एंड नर्व फाइबर्स ऑफ CNS इज प्रोड्यूस एज मेंटेन्ड बाई, भाई माइलिन और नर्व फाइबर जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे मेंटेन होते हैं, तो ये है आप नोट कर लीजिए ओलिगोडेंड्रोसाइट से ये मेंटेन होते हैं, ठीक है। विच इज ऑब्सेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज, भाई अब कनेक्टिव टिश्यूज में क्या ऑब्सेंट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ऑब्सेंट होता है। ये करेक्टरिस्टिक्स किसका है, ये एपिथेलियल टिश्यूज का करेक्टरिस्टिक्स है, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कनेक्टिव टिश्यूज में ऑब्सेंट होता है। स्टीरियोसीलिया अकर्स, भाई स्टीरियोसीलिया होता कहाँ, ये इस साल सिलेबस में नर्वस सिस्टम अगर पढ़ाया गया तो 21 चैप्टर में ये है, बहुत डिटेल है स्टीरियोसीलिया,
वो सीडोस्टेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल ऑफ ट्रैकिया का ये पार्ट है, स्टीरियोसिलिया बोलते हैं, ठीक है। चलो आते हैं, मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस एंड ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस और ये ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है न्यूट्रोफाइल्स का। बाकी मोनोसाइट्स, इओसिनोफाइल्स और लिम्फोसाइट्स, इसमें जो है मल्टीलोब्ड न्यूक्लियर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। देखो न्यूक्लियस जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं उसके मैंने स्ट्रक्चर बताया था, इस तरह से होता है, और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? न्यूट्रोफाइल का। नेक्स्ट वन, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल अकर सीन। सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल किस में होता है भाई? सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये फेलोपियन ट्यूब, अभी ऊपर बताया था मैंने कहीं किसी क्वेश्चन में, रिपीटेड था ये क्वेश्चन नंबर सी का पार्ट, ठीक है। चलो आते हैं 27, विच वन आर फैगोसिटिक इन नेचर। इसमें से कौन पूछ रहा है फैगोसिटिक इन नेचर है? देखो न्यूट्रोफाइल, मोनोसाइट्स, बेसोफाइल, इसमें से मैं बता दे रहा हूँ कि बेसोफाइल जो है वो फैगोसिटिक नेचर का नहीं होता, यानी ये ऑप्शन नहीं है। अब आते हैं न्यूट्रोफाइल, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज। देखो मैक्रोफेज फैगोसिटिक नेचर का होता है, बाकी न्यूट्रोफाइल मोनोसाइट्स होते ही हैं। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 27 का बी सही है, ठीक है, इसको आप ट्रिक कर लीजिएगा बी। अब आते हैं 29 पे, पहले 28 को एक्सप्लेन करते फिर 29 पे आते हैं। बोन इज मोस्टली मेड ऑफ, कह रहा है कि बोन किससे मिलके बना होता है? तो बोन आपको पता होगा कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके बना होता है, आयरन नहीं होता है, इसमें मैग्नीशियम दिया, इसमें सल्फर दिया, इस वजह से तीनों वन, ए बी सी जो है बिल्कुल नहीं सही होगा, ए बी सी गलत है और ये डी सही है इसका, ठीक है। चलो आते हैं अब नेक्स्ट क्या, 29, सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन द नोज टिप एंड एक्सटर्नल ईयर्स आर। कह रहा है कि सपोर्टिव एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है वो किसका होता है? वो कार्टिलेज का होता है। मैंने एग्जांपल भी दिया था जब कार्टिलेज बताया था कि आपका नोज टिप और ये ईयर पिना, ये किसके किससे मिलके बने होते हैं? ये कार्टिलेज से मिलके बने होते हैं। चलो 30 पे आते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स आर, ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप कर ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे 30 का आंसर क्या होगा, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको कई बार इसी वीडियो लेक्चर में कई बार इसको बताया था। 31 पे आते हैं, जो ईजी है उसको तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एरियोलर टिश्यूज कनेक्ट्स, एरियोलर टिश्यूज किसको कनेक्ट्स करता है? अभी आते हैं स्किन मसल, बोन टू बोन, बोन टू मसल्स, ठीक है, ऑल द अबव, इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कौन इसमें से सही है अभी आप कर ले जाएंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 32 पे आते हैं, चूज द करेक्टली मैच पेयर्ड, कह रहा है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है एडिपोज टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज, तो एडिपोज जो है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होता नहीं, वो लूज कनेक्टिव टिश्यूज होता है, इसीलिए ऑप्शन ही नहीं सही है, ठीक है। चलो आते हैं 32 में, बाकी ऑप्शन किधर है? 32 में बाकी ऑप्शन इधर, एरियोलर टिश्यूज, लूज कनेक्टिव टिश्यूज, ये सही है, बाकी ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे भाई, कई ऑप्शन सही होगा ना। 33 पे आते हैं, द टिश्यू कवरिंग एक्सटर्नल सरफेस ऑफ एनिमल्स एंड इंटरनल सरफेस ऑफ विसरल ऑर्गन इज, कह रहा है कि जो एक्सटर्नल सरफेस एनिमल का और इंटरनल सरफेस विसरल ऑर्गन का कनेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन है एडिपोज टिश्यूज, देखो अभी है कनेक्टिव टिश्यूज, एडिपोज टिश्यू, अब ये कार्टिलेजिनस टिश्यूज और एपिथेलियल टिश्यूज। देखो ये सब तो करेक्टिव टिश्यूज है, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेस को जो कवर करता है वो एपिथेलियल टिश्यूज ही होता है। इसको आप जब एपिथेलियल टिश्यूज मैंने बताया था तो बताया था कि एपिथेलियल टिश्यूज का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि वो आउटर और इनर सर्फेस दोनों को कवर करता है, ठीक है। तो इसको आप भूलिएगा मत, नेक्स्ट टाइम से आप दिमाग रखिए कि आउटर और इनर दोनों सर्फेस को कौन कवर करता है? एपिथेलियल टिश्यूज कवर करता है। नेक्स्ट वन, विच टाइप ऑफ टिश्यूज करेक्टली मैच विद इट्स लोकेशन, कह रहा है कि कौन इसमें से करेक्टली मैच है उसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो है क्यूबॉइडल एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ स्टमक, ये गलत है भाई। नेक्स्ट है बी क्या दे रहा है, स्मूथ मसल्स, वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन वॉल ऑफ जो है इनवॉलेंट्री होता है, तो ये सही है स्मूथ मसल फाइबर से मिलके। एरियोलर टिश्यूज टेंडन कोई मतलब नहीं, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिप ऑफ नोज, एक हाइलिन कार्टिलेज होता है, कई बार बताया गया था, ये सारे आंसर गलत है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 का ये बी सही है। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, सब आप कॉपी में लिख डालिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको MCQ इससे रिलेटेड अगर मिल रहे हैं आने वाले एग्जामिनेशन में तो इसको कवर अप कर लें। थैंक यू।